हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एस के जॉब्स ज्ञान। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज की वीडियो में भी हम आपके लिए एक और नई वैकेंसी की डिटेल लेकर आए हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा जारी की गई है। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी वैकेंसीज हैं वो स्टेनोग्राफर, जूनियर टाइपिस्ट की, जूनियर क्लर्क कम कॉपिस्ट की, इसमें आपको वेरियस पोस्टें जारी की गई हैं। तो दोस्तों, इसका जो अप्लाई मोड है वो ऑफलाइन है। तो दोस्तों, ये आपने ऑफलाइन ही अप्लाई करना है और इसमें जो आपकी फ़ीस है या फीस लगेगी वो आपकी ओनली 100 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे और आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे हम आपको वीडियो में इसी वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देंगे कि इसमें आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है और इसमें आपको एज लिमिट क्या दी गई है और आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम आगे आपको वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल एस के जॉब्स ज्ञान को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही हमारी अगली वीडियो आती है या नोटिफिकेशन आती है किसी भी वैकेंसी की तो उसके बारे में भी आपको प्रॉपर पता लगता रहे। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये डिस्ट्रिक्ट जज सोनपुर के द्वारा जारी की गई है। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी वैकेंसीज हैं वो आपकी जूनियर क्लर्क कम कॉपिस्ट की, इसमें आपको 7 वैकेंसीज और जूनियर टाइपिस्ट की 2 पोस्टें और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की आपको 4 पोस्टें जारी की गई हैं। तो दोस्तों, कैटेगरी वाइज आप इसका चार्ट यहां से चेक कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं और कौन सी पोस्ट के लिए आपको कितनी वैकेंसीज जारी की गई हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इसकी पे स्केल की। तो इसमें जो आपकी जूनियर क्लर्क कम कॉपिस्ट की पोस्ट है उसके लिए आपको 19,900 से 63,200 रुपये तक सैलरी दी जाएगी और इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर टाइपिस्ट की, इसमें भी आपकी सैलरी सेम रहेगी और इसमें आपकी जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसी है इसमें आपकी सैलरी 25,500 से 81,100 रुपये तक दी जाएगी। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस की कि इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया गया है। तो दोस्तों, बात करेंगे हम जूनियर क्लर्क कम कॉपिस्ट की, जूनियर टाइपिस्ट की और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की। तो दोस्तों, इसके लिए जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी +2 पास होनी चाहिए और आपके पास जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करें इसकी एज लिमिट की, तो इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 18 साल से लेकर 32 साल तक दी गई है। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं इसकी फ़ीस की। तो इसमें जो आपकी फ़ीस है वो ओनली 100 रुपीज़ है और इसका आपको ट्रेजरी चलान बनवाना पड़ेगा, उसका आपको एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, तो आप वो इनकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन शेड्यूल की। तो इसमें जो आपकी पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम कॉपिस्ट की, इसमें जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो इंग्लिश का 100 मार्क्स का, अर्थमेटिक का 100 मार्क्स का और जनरल नॉलेज का भी 100 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों, इसके बाद जो इसका आपका सेकंड स्टेप रहेगा कंप्यूटर साइंस टेस्ट का प्रैक्टिकल का, वो आपका 100 मार्क्स का होगा और इसके बाद आपका जो इंटरव्यू होगा वो 45 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं जूनियर टाइपिस्ट की। तो इसमें आपका जो इंग्लिश का रिटन टेस्ट होगा वो 100 मार्क्स का होगा और इसमें आपका टाइप राइटिंग टेस्ट 400 वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज का 50 मार्क्स का होगा और इसमें आपका कंप्यूटर टेस्ट प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू इसमें आपका 35 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों, इसके बाद जो आपकी लास्ट वैकेंसी है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की, इसमें आपका इंग्लिश का 100 मार्क्स का, शॉर्ट हैंड टेस्ट जो होगा वो आपका 50 मार्क्स का होगा और कंप्यूटर साइंस टेस्ट आपका 100 मार्क्स का होगा और आपका इंटरव्यू जो है वो 35 मार्क्स का लिया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें जो जो आप डॉक्यूमेंट लगाओगे वो आप इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 21 सितंबर 2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसे आप रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए या फिर आप स्पीड पोस्ट के जरिए इनके ऑफिशियल एड्रेस द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज सोनपुर पर आपने इसे सेंड करना है। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी दी गई है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करोगे, वो आप इनकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन परफॉर्मे की। तो दोस्तों, इसमें आपको एप्लीकेशन का परफॉर्मा भी दिया गया है। तो दोस्तों, इसकी जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आपको परफॉर्मा भी दिया गया है, तो वो आप इसे डाउनलोड कर इसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपने यहाँ पर अपनी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लगानी है जो कि सेल्फ अटेस्टेड करनी है। तो दोस्तों, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपने सबसे पहले लिखना है।
तो दोस्तों इसके बाद आपका कैंडिडेट का नेम आ जाएगा, फादर और हस्बैंड नेम आपने लिखना है, उसके बाद आपका सेक्स मेल या फीमेल वो आपने यहाँ पर लिखना है, उसके बाद आपका मैरिज स्टेटस आ जाएगा, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है, उसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि इसमें आपका बोर्ड कौन सा है, पासिंग ईयर कौन सा है, टोटल मार्क्स कितने हैं, एग्रीगेट मार्क्स कितने हैं, डिवीज़न कौन सी है और आपके परसेंटेज मार्क्स कितने हैं, वो आप यहाँ पर इसके बारे में पूरी डिटेल लिखोगे। तो दोस्तों इसके बाद इसमें आपको ये कुछ कंडीशंस दी गई हैं, वो आप इसे जो है जब आप फॉर्म भरोगे तो इसे पढ़कर आप चेक करोगे। तो दोस्तों इसमें आपकी कैटेगरी है, उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उसके बारे में लिखना है, रिलीजन के बारे में लिखना है, उसके बाद नेशनैलिटी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर और अटैच टू करेक्टर सर्टिफिकेट लगाने हैं, उसके बाद आपका ट्रेजरी चलान नंबर और डेट आ जाएगी, मोबाइल नंबर लिखना है और आपने ईमेल आईडी भी डालनी है। तो दोस्तों लास्ट में आपको इसमें डिक्लेरेशन दी गई है, तो इसे आप रीड करने के बाद अपने यहाँ पर सिग्नेचर करोगे, प्लेस लिखनी है और डेट लिखनी है, और इसके बाद आपने इसके साथ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने सेल्फ अटेस्टेड करके इसके साथ पेस्ट कर देने हैं, और इसे रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए या फिर आप इसे स्पीड पोस्ट के जरिए भी सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल एसके जॉब्स ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।